ओम श्री साईनाथाय नमः। मैं साई अनु एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ शिरडी की पावन भूमि में। मेरा सौभाग्य है कि जो मैं बाबा की इस धरती पे इतने दिनों तक रह पाई, और मैं आप लोगों से यही कहना चाहती हूँ कि शिरडी आओ तो मन में विश्वास श्रद्धा लेकर के आना, हड़बड़ा कर नहीं आना, क्योंकि बाबा के दरबार में हर मुराद पूरी होती है, चाहे वो एक दिन में हो, दो दिन में हो, 10 दिन में हो या 11 दिन में हो, लेकिन पूरी ज़रूर होती है। तो यही मेरा आपसे कहना है कि शिरडी आइए तो बिल्कुल विश्वास श्रद्धा के साथ आइए। मेरी बाबा ने हर चीज़ ऐसे ही पूरी की है। आज मैं जो कुछ हूँ बाबा की बदौलत हूँ। अगर बाबा नहीं है तो हम भी नहीं हैं। हर साईं भक्त ये जानता है कि जिसकी ज़िंदगी में साईं हैं उसकी ज़िंदगी में खुशियाँ अपने आप आ जाती हैं। तो मेरा आपसे यही कहना है, जो लोग ये सोचते हैं कि बाबा सुनते ही नहीं हैं, बाबा के पास जाने से मिलता नहीं है, तो एक बार पूरे विश्वास के साथ आना, पूरी श्रद्धा के साथ आना, और अगर नहीं आ सकते हो तो वहीं पर बैठे बैठे अपने बाबा को एक गुहार लगाना कि बाबा मुझे बुलाओ। और जब भी शिरडी आइए तो नारियल ज़रूर श्रद्धा भाव से अपनी मन्नत को पूरी मांग के बाबा के दरबार में चढ़ाना। काकड़ आरती में आपकी जो भी विश होगी ज़रूर पूरी होगी। अगर जब मैं यहाँ पे रही हूँ तो नारियल के बारे में मैंने बहुत सुना है, इसलिए आपसे कहती हूँ जब भी शिरडी आना तो अपनी मन्नत को मांगते हुए एक नारियल लेके बाबा के श्री चरणों में रख देना, आपकी विश ज़रूर पूरी होगी। ये मेरी भक्ति का दावा है, मैं दावा करती हूँ, ठीक है। तो बहुत अच्छा लगा, बाबा के दरबार में दर्शन हुए, हर चीज़ दशहरे के पावन अवसर पर मैं यहाँ पर आ पाई, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। बाबा से भिक्षा मिली, बहुत बड़ी बात है। बहुत अच्छे अच्छे दर्शन किए। चैनल पे बने रहिए, बहुत अच्छे अच्छे दर्शन आपको आगे भी होते रहेंगे। मेरी कोई बात बुरी लगे तो उसको माफ़ कीजिएगा, और खूब 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 सारा प्यार आपसे यही चाहती हूँ मैं, और कुछ नहीं। और बाबा से भी, बाबा का आशीर्वाद, आप सबका सपोर्ट मेरे लिए काफ़ी, ठीक है। बहुत जल्दी नई नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। चैनल पर बने रहिए। ओम साईं राम।